सेक्स पावर बढ़ाने के लिए बहुत से लोग वियाग्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसी वियाग्रा का ओवरडोज एक शख्स को भारी पड़ गया। थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर एक शख्स ने वियाग्रा का ओवरडोज लेकर जमकर हंगामा किया। न्यूयॉर्क के रहने वाले 27 वर्षीय स्टीव चो ने 4 जनवरी को वियाग्रा का ओवरडोज लेने के बाद पूरे एयरपोर्ट पर कपड़े उतार कर भागने लगा। बात यही खत्म नहीं हुई, भागते भागते ये शख्स अपनी पॉटी एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ और अन्य यात्रियों की तरफ फेंकता रहा। स्टीव दक्षिण कोरिया की फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तभी फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल में उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। इस दौरान शख्स ने एयरपोर्ट पर मौजूद कई दुकानों को नुकसान भी पहुंचाया और सामान भी बर्बाद कर दिया। आखिरकार एयरपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर 6 गार्डों ने स्टीव को पकड़ा और उसके बाद एयरपोर्ट की टूरिस्ट पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद स्टीव ने पुलिस अफसरों को बताया कि उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्स ड्रग्स ली थी और साथ ही अपने किए के लिए माफी भी मांगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।